हाँ जी अच्छा, अब ये कि बहुत सारे लोग जो है ना बाहरों पढ़ने वास्ते आए हुए ने, जिस तरह फर्ज करो कुछ लोग सिनेगाल दे ने, कुछ मोरिटानिया, मुख्तलिफ पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली और इंडियन के अलावा इंडियन के हिंदू भी ने, सिख भी ने, दूजे मुल्क के काफ़ी सारे कंट्रिया के लोग जो है बैठे हुए क्लास के, इसलिए कहीं पढ़ाद जो है ना मैं इस्तेमाल करना है, कई बार हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कई बार बंगाली, कई बार नेपाली, कई बार इस तरह के मिलते जुलते लफ्ज़ जो है अरबी के भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड करने समझने जो है ना टॉपिक साड़ा मेन कदे भी उस तो नहीं हटेगा, सही ना। कोशिश करांगे कि हमेशा जी चीज़ पढ़ रहे हैं वही चीज़ पढ़िए बिल्कुल जी इम्तिहान के आती है, और साड़ा मेन मकसद ये लसेंस हासिल करना, ताकि जल्द तो जल्द असं लसेंस हासिल भी कर लीए और साड़ी जबान जी बेसिक घट तो घट वो चीज़ा सीख लीए कि जी इम्तिहान के सू आ सकती है। फिर हूँ कई बंदे मैं फोन करते हैं जी असं लसेंस करना चाहते हैं तो किस दिन आईए, कि तारीख में बेहतर है, मतलब कि किस दिन तो शुरू करिए, तो मैं उन्होंने हमेशा यही कहना कि जिस दिन भी तुम आना चाहो ना तुम आ सकते हो, क्योंकि वजह पता की है कि सिलेबस जोड़ा है वो सारे वास्ते, अगर फर्स्ट करो अच्छ कोई बंदा पहले दिन पढ़ना शुरू कर रहा है मेरे को, ठीक 15 to 20 दिन बाद सिलेबस उस जगह पर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वे कोई स्पेशल दिन नहीं होता कि सोमवार में क्लास शुरू करनी है, मंगल में शुरू करनी है, बुधवार में शुरू करनी है, तुम दिन जिस दिन भी आओगे उस दिन तो क्लास शुरू करा, वे बाद जोड़ा 15 to 20 दिन के अंदर, लेकिन यह डिपेंड करता है बंदे की पढ़ाई के उत्ते कि पढ़िया लिखा। मेरे हिसाब से एक बंदा मैट्रिक पास बंदा या घट्ट तो घट 8वीं पास बंदा अगर कि पढ़िया लिखा तो एक 15 to 20 दिन के अंदर उन्होंने लसेंस क्लीयर कर देना चाहिए, और अगर वो नहीं करता, फर्ज करो नहीं करता, तो मतलब है कि वो कोई ना कोई कमी है, हो सकता है इस तो जल्दी भी बंदा कर जाए, लेकिन यह तो वो एजुकेशन से बेसिकली तालीमी मियार से डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बीन एंटोसेस मुचा वेसेस ई ला जेंटेस के सोलो इंटेंडे स्पैनियोल से केजान, के स्टा हब्लांदो मुचो पाकिस्तानी, स्टा हब्लांदो इन ओत्रा इडियोमा नो एंटेंडो, एंटोसेस यो एक्सप्लिको स्पैनियोल तामबियेन लो मिस्मो, एंटोसेस ला जेंटे के स्टान अकी, एंटोसेस कासी 15 डिया ओ 20 डियास लो के नेसेसिटा पारा सकारसे एल कार्नेट, डिपेंडे सी एंटेंडे स्पैनियोल पुस कोन मेनोस टियेंपो तामबियेन पुएदे, पेरो एन एल कासो सी नो एंटेंडे तांतो एंटोसेस ओ टीने के लेर, पोर लो मेनोस सी उना पर्सोना के सेपा लेर, एंटोसेस यो पर्सोनालमेंटे me imagino que puede en 15 o 20 días puede sacar el carnet, ¿vale? Bien, entonces un proceso de la pregunta de que cada o que 8 que entre una clase o en teán de vich 30 sual de tribe en teán de vich andene, ¿ठीक है ना? 30 de vichon carto car 27 sual de lene sade sahi hone chahiye ne, te 27 sual agar sade theek ho gaye to samjho imtihan pass ho gaya hai, agar ek bhi galti zyada ho gayi, farz karo 4 galtiyan ho gayi, te imtihan pass nahi hoega। इम्तिहान दे विच पर सेर आप्तो पर सेर प्रोवादो तीने के सेर कमो मिनिमो 27 प्रोवंता अथर्तादो है, 27 सवाल कर तो का ठीक होने चाहिए देने, सुरे ची सड़े इम्तिहान जड़ा है आप तो तसवर किता जाएगा, ठीक है ना। बीन एल दिया दे शामे तमिल तिंगो 30 मिनुतोस और 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनुतोस पर सेर 30 प्रोवंतास है, 30 प्रोवंतास, एंटोसेस इन 30 मिनुतोस तिंगो के सेर, ई tiene que aceptar como mínimo 27, 27 tiene que ser aceptar, ¿eh? Bien, al día del examen, móvil o cualquier cosa electrónica, que sí que sea de mi móvil y algún electronic device, tú sí, imtihan de vich nahi leke ja sakde, jeh tuhanu help kar diye hove, ठीक है ना। बीन इम्तिहान से जानते पहले सारी डिवाइस जी ने बंद कर देनी होंगी ने, बीन क्योंकि एग्जामिनर पर्सनल तौर पर चेक कर देने। बीन और इम्तिहान से हमेशा जानते हैं, हमेशा रिकमेंड करना कि इम्तिहान देते हैं कोशिश करो कि तैयारी सही होनी चाहिए, तो पूरी चीज जो है ना इम्तिहान देना चाहिए जी, मैं चांस लेना चाहना है, चांस लेने वाला चक्कर जो है ना सही नहीं, क्योंकि तैयारी ठीक होनी चाहिए, और मैंने अंदाजा हो जाता है बंदे की तकरीबन पता तैयारी हो चुकी है, तो उस सूरत चीज़ जो है ना बंदे इम्तिहान देना चाहिए। बीन तकरीबन मैंने 10 साल हो गए हैं क्लास के, इस क्लास के तकरीबन हजारों के हिसाब न पाकिस्तानी, इंडियन, स्पानियोल, इंग्लिश, दूजे मुल्क के कंट्रिया के लोग जो मेरे को लसेंस करके गए हैं, तो बहुत सालों को मैं पढ़ा रहा और काफ़ी सारे लोग मैं जानते भी हैं, ठीक है ना। बीन तो इस सूरत ही मेरी कोशिश यही होती है कि जो बंदे आए हैं उन्होंने अच्छे तरीके गाइड करिए, सही मशवरा देिए, बाकी फिर हर बंद ने अपनी मर्जी करनी है, सही ना। बीन और लसेंस जो है बेसिकली और लसेंस की है, लसेंस मेरे हिसाब न लसेंस जो है एक मालूम इनफॉर्मेशन का ना है जो आने वाली जिंदगी से साढ़े काम आवे, बजाय लसेंस है नहीं कि जिस लसेंस मैं बखाया जी लसेंस मेरे को देखो लसेंस मेरे को और बाद ना तो इशारे का पता है ना मैं कानून का पता है, तो उस लसेंस की कोई वैल्यू नहीं। बी केस करने के कौन दोषी है, परमीश करने के कौन दोषी है, सुना कोसा के इज मुई इंपॉर्टेंट के टोटल इंफॉर्मेशन que este me va a ayudar al resto, resto de la mi vida, ¿eh? Bien, entonces tengo que aprender las señales, las normas,
y las cosas, ¿eh? De preferencia. Entonces hay muchas cosas para aprender, ¿eh? Todo es la información, toda la información que estamos dando, 8 horas, Art Kente, las club, school de beach, las clases, la grille, ¿me decís? Art Kente, suba te leque, shanti kar, main jada na, enne ishaare, enne cheeza bada manga, que suba, sham jada na, tamo lighta nazar aangiya, sondhya bhi jada na, lighta nazar aangiya, aur ishaare nazar aangiya, oh cheeza ishaare, oh cheeza, tusi hun gaur karna shuru karoge, jadi tusi saari zindagi tasveen ch rehnde ho gaya, 5 saal hoye ne, 4 saal hoye ne, 10 saal hoye ne, 8 saal hoye ne, oh kade assi dhyan chi nahi ditiyan, lekin hun jadon class ch laake padhange, te oh ishaare, oh cheeza jadi na, assi bade gaur naal, bade dhyan naal, oh cheeza nu vekhange, aur samjhange. Bien, और अगर कोई चीज ना समझ आए, una persona que no entienda, una persona que no entienda, por supuesto que español no es nuestro idioma, ¿eh? Spanish is our zaman नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी बंदे को समझ नहीं आंदी किसी और जबान दे विच, ते मैं उन्हें ट्रांसलेट करके मुख्तलिफ जबानों दे विच शो कर सकता हूं। Una persona que no entienda, yo puedo explicar en varios idiomas, ¿eh? Que sea árabe, que sea pakistaní, que sea hindú, que sea en inglés, o sea, cualquier idioma, ¿eh? Porque con ayuda de algunos traductores, incluso nosotros podemos ayudar, ¿eh? Para aprender solamente qué significa, ¿eh? Nuestro trabajo es explicar y traducir las cosas que lo que dice la norma o lo que está en la ley, ¿eh? Jo bhi cheeze kanoon mein maujood hain, wo cheezon ko humne kya karna hai, translate karkar aap logon tak pahunchana hai. Main maqsad hai aapko sikhana, samjhana aur kanoon ke bare mein information dena. Baki jaise ki aap dekh rahe hain, jaise ye jo laga hua hai is waqt hamare paas kya hai, ye sara digital, is tarah se sara digital kya hai, is tarah aap logon ke paas computer maujood hain jo ke touch system कंप्यूटर्स हैं, स्क्रीन पे आप टच करें, उसके बाद आप खुद से प्रोग्राम के अंदर एंटर हो जाएं, उसके बाद यही टेस्ट आप कंप्यूटर पे बैठकर खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? बीए, entonces todas las cosas que voy a explicar en la pizarra no solamente tengo yo, ¿eh? ये कि ये चीजें जो हम कंप्यूटर पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये चीजें सब मेरे पास नहीं, आपके पास कंप्यूटर के पास पर्सनल तौर पर भी आपके पास मौजूद है, आप खुद भी इसको खुद से हैंडल कर सकते हैं और इसको इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसमें अगर कहीं पे भी आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो आप उनसे मदद ले सकते हैं. Bien, jinni ki cheezan main samjha raha hai na, the screen de utte, screen de utte, tade kol vi computer de utte, jehde samne computer paye ne, ana tutte baith ke tusi padh sakde ho, samajh sakde ho, aur phir vi agar kisi cheez di na samajh aaye, ode baad mainu beshak call karke main tade naal hamesha, te mere kolo dobara to puch sakde ho, hain? Bien, hun jehda main maqsad hai sada ओ किए, मैं दसिया पहले भी कि ज्यादातर पाकिस्तानी या ज्यादातर साढ़े असी फॉरनर लोग जो है ना कोशिश करने हैं कि लाइसेंस जो है ना हासिल कर लीजिए. Nosotros la mayoría se intentamos sacar el carnet, entonces, pero no queremos saber la información y cómo y किस तरीके ना हासिल करना है. उन्हों विकनास्ते कई बारी कई बंदे कुछ इस तरह के तरीके कार भी इख्तियार कर जाते हैं जड़े उन्होंने नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरे सामने वो तरीके कार गलत ने. एक लसन जड़ा बेसिकली वो बहुत ही सिक्योरिटी वाली चीज़ है और तेरे आने वाले फ्यूचर की वो तुम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है ना? बहुत सारे कामों के मुतालिक अगर तुम फर्ज करो नहीं पता तो इतने जो स्कूल के जो बंदा भी लसेंस पास करके पढ़ के प्रॉपर तौर के समझ के कर रहे हैं तो आने वाली जी जिंदगी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. उसके अलावा सारा लसेंस स्कूल जोड़ा कई सालों तो काम कर रहे हैं, तो यह नहीं कि सिर्फ असं गड्डी का लसेंस जोड़ा करा रहे हैं, नहीं गड्डी के अलावा मेरे को होर भी क्लासा सैक्शन ने जिस सी लसेंस जोड़ा सी लसेंस कह होंगे ट्रकों का, डी जोड़ा बसा का, ई जोड़ा ट्रेलर. Bien, और अलावा कप कप एक लसेंस है कंडक्टर दे प्रोफेशनल ऑटोमोबाइल वो भी करा रहे हैं, ठीक है ना? लसेंस दे विच भी पांच किस्म दे, याद रखियो पांच किस्म दे मेन लसेंस ने, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई. बीन आ दे विच मोटरसाइकिलेटास मोटरसाइकिलेटास कई बंदे मैंने कहते हैं मेरे को मोटरसाइकिल का लसेंस है, फिर मैंने बाद में पता लगता है कहते बोलते साइकिल मोटर का लसेंस है, ठीक है ना? मोटरसाइकिल और साइकिल मोटर सेम चीज है नहीं, हमेशा स्कूल तो बाहर. आज तक मैं जब तक स्कूल से दाखिल नहीं किया तो मैं भी पता कि सिर्फ कोचे कोचे ही कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन स्कूल से दाखिल होने के बाद मैं पता लग गया वीहीकुलो वीहीकुलो मिक्स्टो वीहीकुलो द्रिवादो दे टूरिज्मो ऑटोमोबाइल. तो टेक्निकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कि जी नॉर्मल जिंदगी ची असी आम गलियां ची इस्तेमाल नहीं की, तो कई बार सू मुश्किल भी लगता है, लेकिन शुरू ची स्टार्ट रहना मुश्किल लगता है. दो तीन दिन चार दिन गुजरन के बाद वही लफा जो असं रोजाना सुन सुन के सू याद होना शुरू हो जाते हैं और वही समान जी सू आसान लगना शुरू हो जाती है, ठीक है ना?
ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਮੁਚਾ ਪਰਸੋਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਬੈਸਾ ਪਰ ਸਟੂਡੀਆਰ ਦਿਸਨ ਇਸ ਦੋਸ ਮੁਈ ਡਿਫੀਸਿਲ ਪਰਕੇ ਮੁਚਾ ਕੋਸਾ ਸਟਾਸ ਐਕਸਪਲਿਕਾਂਡੋ ਐਂਟੋਂਸੇਸ ਯੂ ਡਿਗੋ ਵਾਲੇ ਬੀਨ ਪਰੋ ਦੈਂਟਰੋ ਦੇ ਦੋਸ ਦੀਆ ਤ੍ਰੇਸ ਦੀਆ ਕੁਆਟਰੋ ਦੀਆ ਵਾਮੋਸ ਆ ਰਿਪੀਟੀਰ ਉਨ ਮੋਂਟੋਨ ਦੇ ਵੈਸਿਸ ਲਾ ਮਿਸਮਾਸ ਕੋਸਾਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੀਏ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੀਏ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੀਐਂਸੀਆ ਪਾਸੀਐਂਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਟੋਂਸੇਸ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਗਰਾ ਕਰ ਜਾਂਗੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲਸੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਬਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਸ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਈਕਾ ਦਾ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਈਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀ ਦੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲਈ ਦੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਈਕਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋ ਜਾਂ ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹੀ ਬੀਏ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਗਾਂਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂਧੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੀਏ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ 100% ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨ ਨੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇਈਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ